नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में माफिया कुंटू के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात प्रशासन पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुंटू सिंह के रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को करीब आधा दर्जन जेसीबी और पोकलेन मशीन से ढहा दिया। प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में शामिल ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव का निवासी है। उसके ऊपर 32 मर्डर समेत 65 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में D11 गैंग के नाम से गिरोह का दर्ज है। इसी वर्ष जनवरी माह में लखनऊ में हाई प्रोफाइल पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कांड में इसका नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आया था। तभी से इसके गैंग के खिलाफ शासन की नजर टेढ़ी हो गई। कुछ दिनों पूर्व ही कुंटू सिंह के मुख्य शूटर गिरधारी को पुलिस ने लखनऊ में इनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं सरदाता के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी शिकंजा कस गया है। इसके अलावा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कुंटू सिंह के आजमगढ़ के जीएनपुर क्षेत्र के देवरपुर में स्थित रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज पर आरोप लगा कि जिला पंचायत से बिना नक्शा पास कराए ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर इस कॉलेज का निर्माण कराया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते ही शुक्रवार को सुबह कमिश्नर ने अपील खारिज कर दी। कुछ ही देर बाद आजमगढ़ के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कॉलेज को धराशायी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। आज ये कार्रवाई की गई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज को आप लोगों ने ढाया, क्या है इसमें पूरा मामला? देखिए, ये थाना जैनपुर क्षेत्र में पॉलिटेक्निक था और ये माफिया डॉन और कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह का की वाइफ इसकी ट्रस्ट की अध्यक्ष थी, उनके नाम से था ये। जैसा कि अभी दो दिन पहले FIR भी दर्ज हुई थी, इसमें ये स्कूल एक तो ग्राम समाज की जमीन में बना हुआ था और दूसरे इसके जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे जो इसकी परमिशन के लिए, इसकी मान्यता के लिए, वो सभी फर्जी उसमें जांच में पाए गए थे। उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो इस सारे फर्जीफिकेशन के तहत एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत इसका दुष्टिकरण आज किया जा रहा है और पुलिस फोर्स, पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट का नहीं है, ना इस दुष्टिकरण के दौरान कोई भी व्यक्ति आया है, बल्कि सभी लोग बहुत खुश हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो उसका खौफ था और जो उसका डर था वो अब यहाँ से निकल गया और इससे आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से शांतिपूर्ण माहौल बनाने में हमें मदद मिलेगी। कार्रवाई की गई है पॉलिटेक्निक कॉलेज को ढहाने की, इसमें क्या मामला है? ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, देवतपुर कमालपुर अजमतगढ़ में है। ये यहाँ के माफिया कुंटू सिंह उनकी कॉलेज है जो चल रही थी। इसमें इन्होंने मान्यता भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के प्राप्त करी, उसकी जांच करी गई। उसमें जो भी 143 वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लैंड यूज चेंज वगैरह के, सब फर्जी पाए गए। उसी के तहत थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी और साथ में FIR भी दर्ज हुई और साथ में जो जिस ज़मीन पे बना था वो भी फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराई थी, जिसको वापस ग्राम सभा की भूमि निकली। तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट और ग्राम सभा की भूमि पे ये कॉलेज बनाया गया था और माफिया गिरी करके जो पैसे इकट्ठे करे गए थे उसके बाद बनाया गया था। तो उसको जिला पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा इसको आज जमींदोज किया जा रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के और ग्राम सभा की भूमि पे ये अवैध तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। सर, और भी ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो भी संज्ञान में आएगा इस तरह के जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन या फिर ग्राम सभा पे कोई भी बिल्डिंग बनती है उस पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी।